खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बना रही हो, लेकिन फिर भी दबंग अपनी दबंगई दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास जिगर कॉलोनी का है, जहां कॉलोनी के दबंग निर्यातक व सपा नेता के करीबी अरशद व अतहर ने अपने परिजनों के साथ तुलसी नाम की युवती को उसकी मां सहित इसलिए पीटकर घायल कर दिया कि उन्होंने निर्यातक के घर आकर अपने एक परिजनों के बारे में जानकारी दे दी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती की तहरीर पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई कर दी है। बता दें कि निर्यातक का भाई इलाके में आए दिन दबंगी दिखाता ही रहता है और कोई ना कोई घटना को अंजाम देता रहता है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने घर के सामने से गुजर रहे एक युवक को महज इसलिए बिजली के खंभे से बांध कर पिटाई कर दी कि उन्हें शक था कि वह युवक कॉलोनी में चोरी करने आया था। उस घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने भी गंभीरता दिखाई और मामले की जांच शुरू करते हुए चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यहाँ से खाली कर दिया, किराए पे रहते थे, यहाँ पे हम संजीदा को तो यहाँ क्यों कूदा था? क्यों कूदा था? अरे भाई साहब, मैं कल तो कहाँ पे कूदा था? कौन सी घर में नहीं कूदा था? ये पेड़ यहाँ पेड़ जा रहे व्हाट्सएप देख लिया था मैंने। ना भाई साहब, ना रेलवे हट तक लोन। अच्छा, जिनके साथ मारपीट हुई है कौन है और क्या पूरा मामला था? वो हमारे जिया जी हैं और हमारी सिस्टर है बड़ी, उनके साथ मारपीट आई है। शादी नहीं हुई है, अभी रोका हुआ है बस शादी होने। बस वहाँ पे वो लोग गए, पहले तो दीदी ने फ़ोन करा है वहाँ पे, कहाँ पर इनके बॉस को कि सुबह से आए नहीं है, कहाँ पर हैं। तो इनके बॉस ने दीदी से गंदी गाली गलौज करी, तो दीदी ने बोला कि आप गाली गलौज कैसे कर रहे हो? तो इन्होंने कहा घर आ जाओ फिर बताते हैं। तो दीदी घर पहुँची, उस दौरान दीदी ने बेल बजाई है, फिर ये तीनों भैया नीचे आए हैं, इन्होंने बेरहमी से मेरी बहन को नीचे गिरा के मारा है और हमारे जिया जी के साथ पिटाई करी है। उनके सिर में चोट आई है, हार्ट पे चोट आई है, शोल्डर पे चोट आई है। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट? ये उनके बॉस लगते हैं, मतलब कि उनके यहाँ जॉब करते हैं हमारे जिया जी। क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट का काम है उनका। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? वो मुझे पता नहीं, मैक्सिमम तीन। वो इनका आपसी जो भी मामला होगा जिया जी का और उनका, वो उनको पता होगा, मगर दीदी का कोई मैटर नहीं था इसमें। बस उनको गाली दी गई थी तो वो घर पर पूछने गई थी ये गाली क्यों दी है, तो इस दौरान दीदी को मारा है। हाँ, चोट आई है उनके, यहाँ पे चोट आई हुई है, शोल्डर पे चोट आई हुई है, यहाँ पे गुम चोटे हैं। अब कहाँ पर आए आप? हम सिविल लाइन थाने में हैं। कार्रवाई हो रही है, देखी जाएगी। मेरा नाम तुलसी, रेलवे हड़तला कॉलोनी। मेरे साथ अरशद, अथर और उनके एक भाई है, उसका नाम मुझे नहीं पता। उन्होंने बहुत बदतमीजी करी, मैं उनके घर गई थी, उन्होंने पहले फ़ोन पे गाली गलौज करी, फिर मेरे को बुलाया, फिर मैं उनके घर पे गई तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी और बहुत गालियाँ दी, बहुत बहुत ही बदतमीजी करी। मेरी चुन्नी मुन्नी सब खींची, सब सड़क पर बहुत बदतमीजी करी, घर में भी खींचा उन्होंने। उन्होंने मुझे गाली गलौज की, उन्होंने मुझे कहा घर पे आ, बात कुछ भी नहीं थी बात। मेरे मंगेतर इनके यहाँ काम करते थे, तो क्या कहते हैं वो काफ़ी देर से घर पे नहीं आए, तो उनका फ़ोन आया लास्ट टाइम, उन्होंने कहा कि मैं घर अब घर नहीं आऊँगा, तो मैं घबरा गई थी इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने बहुत रिस्पेक्ट से उनसे बात करी, उन्होंने मुझे गाली गलौज करी, कहा घर आ, तो फिर मैं घर गई तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और उनके दोनों भाइयों ने। मेरे मंगेतर उनके उनको साथ भी बहुत मारपीट की, उनके उनके सर पे बहुत चोट लगी है, पूरा सर खोल दिया है उनका। उनका फ़ोन बंद है, उनका फोन वो लापता है, इन लोगों के साथ ही यही लोग अपने साथ ले गए थे उन्हें, और मुझे नहीं पता के ले गए नहीं वो ना, वो आया भी नहीं। जिगर कॉलोनी, जिगर कॉलोनी में ही उनके। अच्छा, क्या करते हैं? एक्सपोर्टर हैं ये, मरीना इंडिया, रतनपुर। मैं चाहती हूँ कि इनकी इनको इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और इनको जो इन्होंने किया उसकी सज़ा मिले। नहीं, किसी को नहीं पकड़ा, बस
हाँ पुलिस ने कार्रवाई की है, पकड़ा है दोनों, दो भाइयों को पकड़ा है जी। आने से मना कर दिया कोई किसी कारणों से लेके, इसी की बात को लेके इन दोनों में आपस में कहा सुनी बढ़ गई, फिर महिला वहां पर आई तो इस तरह की घटना घटित हो गई। हाँ उसकी फुटेज की तस्दीक की जा रही है और जो ये सभी जितने उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।